हिसाब से ये तो ये दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर. जब भी हम कुछ म्यूजिक बनाते हैं तो हमेशा सोचते हैं कि लेट्स ट्राई टू मेक अ गुड सॉन्ग रादर देन मेकिंग अ हिट सॉन्ग. गुड सॉन्ग ऑलवेज बिकम्स अ हिट. हिट में जा कोशिश करते तो कभी मिस हो जाता है. तो मैं एक्चुअली बहुत खुश नसीब हूँ दैट मुझे ऐसा मौका मिला. बहुत कम कॉल आता है और कहा जाता है कि एक गज़ल पे काम करें एक अच्छी. तो बहुत खुशी हुई जब मेरे प्रतिभा का जो मुझे कॉल आया दैट लेट्स वर्क ऑन समथिंग विच यू लाइक. और ज़ाहिर है मैं जब गाना हम लोग बनाते हैं तो आई हैव टू लाइक इट. बट ये जो जॉनर है ना वो मैं बहुत इससे बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है. और क्योंकि मैं खुद गज़ल सुनता हूँ और मैं हमेशा इस जॉनर का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ तो मौका मिलता नहीं है ज़्यादा इस यू नो गज़ल्स बनाने का. और फिल्मों में भी बहुत कम ऐसे सीन सिचुएशंस आते हैं. इस टाइप की फिल्में ही नहीं बनती हैं ऑनेस्टली. और नॉन फिल्म म्यूज़िक में भी यू नो देर इज़ वेरी लेस डिमांड फॉर सच म्यूज़िक. तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू सूफी स्कोर एंड प्रतिभा टू हैव दिस. इसकी कल्पना करना और ऐसी सोच पैदा करना है कंपोज़र में वो भी एक बहुत बड़ी बात है. थैंक यू फॉर दैट. ये मैं नहीं मानता हूँ. ये चीज़ जो है ना ये जॉनर जो सदियों से चलता आ रहा है और चलता रहेगा. यू नो आई मीन फ्रॉम कैन से फ्रॉम उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब टू मेहदी हसन टू यू नो फ्रॉम टू गुलाम अली जी टू जगजीत जी. इट्स अ ट्रेडिशन एंड नाउ ब्यूटिफुली यू नो जो ये टॉर्च बेरर्स है वो प्रतिभा है पृथ्वी है जैज़िम है ये लोग. और मैं जो आर्टिस्ट का नाम अगर भूल रहा हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ. बट बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट ये गज़ल जो ऐसा जॉनर है ना वो सदियों से चलता आ रहा है और सदियों तक चलेगा. इसमें पोइट्री का बड़ा वो है बहुत बड़ा हिस्सा है गज़ल. मेनली इट्स सेंटर्ड अराउंड वर्ड्स एंड पोइट्री. And that leads to the question to Thuraz. Natural lagta hai. Lyrics are bahut meaningful and obviously the title is very very exclusive. So aap kya kehna chahenge? देखिए पहली बात तो ये जो आपने सवाल किया और सलीम भाई ने बात की कि गज़ल नहीं होती. गज़ल कहाँ नहीं होती. हमने बेचारी को गज़ल को बेवजह बदनाम कर दिया और उसको हम गज़ल को बहुत कुछ ऐसा समझते हैं कि बहुत कोई टिपिकल चीज़ है. हर गाने में गज़ल होती. जिस गाने में ख्याल है उसमें शायरी है. जिस कंपोजिशन में मेलोडी है उसमें गज़ल है. वो सिंगिंग है वो जो सूफीज़ में होता है वो हर गानों में होता है. तो ऐसा नहीं है गज़ल का खाली नाम दे के हमने उसको थोड़ा सा अपने से अलग कर दिया. ये बहुत अच्छी बात नहीं है. और गज़ल हमेशा से रही ऐसा सलीम भाई ने कहा है. हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी और हर गाने में है. अगर हम तलाश करें अच्छी चीज़ खूबसूरत चीज़ को हम गज़ल कहते हैं. गज़ल कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही टिपिकल सी चीज़ है जिससे कोई बदबू आएगी या कोई चीज़ ख़राब लगेगी. गज़ल बहुत खूबसूरत चीज़ का नाम है. अगर गाना खूबसूरत है वो गज़ल है. फिल्म खूबसूरत है वो गज़ल है. लड़की खूबसूरत है वो गज़ल है. धुन खूबसूरत है वो गज़ल है. सब गज़ल है अगर वो खूबसूरत है. और अगर खूबसूरत नहीं है तो ना फिर वो गाना है ना फिर वो म्यूज़िक है ना फिर वो लड़की है ना फिर वो लड़का है ना कोई फिल्म है कुछ भी नहीं. तो खूबसूरती का नाम गज़ल है. गज़ल कोई बहुत ही प्यारी चीज़ है. इसको मैं कहता हूँ कि सब अपनाएं. और बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई कि आपने इस फॉर्मेट पे काम किया. और प्रतिभा जी बहुत शुक्रिया आपने इतना अच्छा गाया. सर आपने इसको इतना अच्छा जो है वो डायरेक्ट किया और मैं खुश हूँ इससे. और हमेशा से ये काम होता रहा और हमेशा आगे बहुत होगा क्योंकि अच्छाई हमारे यहाँ ज़्यादा है और बाकी की चीज़ें कम हैं. वो हर दौर में रही हैं. और अच्छी चीज़ की ताकत ये होती है कि वो बहुत दूर तक जाती है. इसलिए सदियों से ये ख़त्म ही नहीं हो रही है. तो इसका मतलब इसमें दम है. सो वेल सेड. क्या बात है. वेल वेल सबसे पहले तो जैसे गज़ल नाम आता है तो लोग इंडियन और ज्वेलरी और मेकअप मुजरा ये थोड़ा सा एक देखा गया है. बॉलीवुड में भी देखा गया है जनरली एल्बम्स में भी देखा गया है मोर वीडियोस में. तो इसको मैं कुछ बिकॉज इमोशंस की कोई भाषा नहीं होती. इट्स मल्टी लिंग्विस्ट. तो इसलिए सोचा कि इसको कुछ अलग तरह से पेश किया जाए.
कोई अलग स्टोरी लाइन बनाई जाए, कुछ ट्राई किया जाए, एक्सपेरिमेंट भी करना था, बट एट द सेम टाइम मेंटेनिंग द डेप्थ ऑफ द कॉम्पोजिशन, द वर्ड्स, द ग्रेविटी ऑफ द होल सॉन्ग. आई वॉन्टेड टू मेंटेन दैट एंड नॉट मेक सम फैंसी काइंड ऑफ वीडियो, यू नो. सो इट वॉज वेरी चैलेंजिंग फॉर, आई थिंक प्रतिभा ऑल्सो डिड अ वेरी कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस इन दिस वीडियो. कंट्रोल द इमोशन. कभी कभी क्या होता है कि रो के सर पटक के इस तरह से इमोशन दिखा सकते हैं. इफ यू आर सैड, यू नो, यू डू लॉट ऑफ थिंग्स टुडे, नाउ दिस इज अ ट्रेंड, हिस्टेरिक, यू गेट हिस्टेरिक, बट इस सटल वे में कंट्रोल करके फ्लैट एक्सप्रेशन, फ्लैट फेस रख के उसको प्रोजेक्ट करना आंखों से नेचुरली, दैट इज कमेंडेबल. एंड आई थिंक शी डिड अ फैंटास्टिक जॉब एंड made everybody's life easy on the set. Absolutely. So I think the due credits to, honestly, the song, the composition, the lyrics, the singing, same with the performance. Singing studio mein jis tarah se Pratibha ne isko itni aasani se gaya hai, composition itni waise aasan hai nahi, main nahi kahunga bilkul bilkul aasan nahi, but the way she sings it, it's very effortless. Gaiki itni, matlab she's so tayyar that wo kuch bhi jab gaati hai तो बहुत सोच के और बहुत उसको फील करके गाती है. सो दैट इज ये बहुत ही एक अच्छी क्वालिटी है. कितना चैलेंजिंग रहा गाना फिर फीचर करना एंड द इमोशंस दैट यू हैव टू ऑब्वियसली यू नो गेट देम आउट आल्सो बिकॉज़ इट्स अ डबल रिस्पांसिबिलिटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई मिस्ड आउट ऑन टू थ्री नेम्स अर्लियर. I'd like to mention them. Very, very integral part of the production, that is Gaurav Vaswani, without whom we could not have done it. And Deepak ji ke wo ekdam saath mein date rehte hain. So Deepak ji and Gaurav ji ne saath mein isko milkar produce kiya. Gaurav ne Deepak ji ko definitely unke saath milkar produce kiya hai. And it was definitely Deepak ji's idea and his vision. Also then there was देर इज़ प्रशांत इन दिस गज़ल. हमारे बहुत अच्छे तबला प्लेयर हैं. एंड देन एंटायर सेवन हेवन स्टूडियो टीम. राज कुड नॉट बी हियर. राज ने मुझे रिकॉर्ड किया था सलीम भाई के स्टूडियो में. सो आफ्टर ऑल्सो पुरबायन जी कुड नॉट बी हियर. ही प्लेड द सितार एंड देन नवीन जी हु प्लेड द फ्लूट. सो everybody is traveling and everybody is stuck somewhere because of the rains and all. Now talking about the song, how I sang it, it was not so easy. Jaise ye mujhe bar bar bol rahe hain ki itne aasani se gaye, it was not so easy for me. Lekin ek cheez ye hai ki Saleem bhai aapko itna free chhod dete hain gaane ke waqt ki wo, he lets you do your own things. He just makes you listen to the song. आप एक बार सुन लो, उसको अपने अंदर उतार लो, फिर आप अपने हिसाब से गाओ. इट इज़ योर सॉन्ग. सो इन्होंने मुझे ऐसा अपना गाना बनाने दिया. पहले ही मेड मी हियर द कॉम्पोजिशन. ही मेड मी, आप मुझे याद है, इन्होंने मुझे हम करके ट्यून मुझे फ़ोन पे सुनाई थी और मुझे स्केल पूछा था कि ये सही है. मैंने इनको एक बार याद है कि मैंने बोला था कि मुझे ना थोड़ा ऊँचा लग रहा है, तो ही सेड दैट एंड आई थिंक आई जस्ट बिलीव्ड इन इट. आपने बोला था कि स्केल पता है क्या होता है, यहाँ होता है. इफ यू डोंट थिंक अबाउट द स्केल यू विल डू इट. आई थिंक आई डिड इट. इट्स आई थिंक जस्ट हियर बिकॉज इतना अच्छे से, इतना एफर्टलेसली हो गया बिकॉज आई कुड फील इट. इट्स माई सॉन्ग. इन्होंने मुझे अपना गाना बना लेने दिया और उस तरह से मैंने कोशिश की एंड इट केम आउट रियली वेल. उसके बाद में वीडियो के बारे में मैं बार बार बता चुकी हूँ कि अभी भी हर बार कैमरे के सामने जाती हूँ तो आई हैव डन अ लॉट ऑफ वीडियोज. लेकिन इस गाने में जैसे कि सर ने बोला है कि सटल फेस रखकर, क्योंकि ये बहुत मंझे हुए एक्टर्स कर सकते हैं और मैं तो कभी सीखी भी नहीं हूँ. और दो ही म्यूजिकल्स में एक काम किया आज तक, एक मुगले आज़म और एक उमराव जाना था. तो उसमें से जितना मैंने सीखा है उन दोनों को मिलाकर यहाँ पर कुछ कोशिश की है करने की. एंड आई थिंक सर, थैंक यू फॉर डायरेक्टिंग एंड गाइडिंग. ग्रेट जॉब. थैंक यू पारुल. थैंक यू एवरीबॉडी. फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट एंड ब्राइट फ्यूचर टू मैडम सलीम भाई. मेरे सलीम सुलेमान जी मेरे बरसों से दोस्त हैं और इनके हर इवेंट, फिल्म और सीरियल और अवार्ड का मैं हिस्सा हूँ, टीवी शो का भी हिस्सा हूँ और मैडम का भी बहुत फिल्मों के गाने के होर्डिंग्स मैंने लगाए. और
बहुत खुशी की बात है कि इतना अच्छा इन्होंने एल्बम, इनके मैंने प्रोमो देखे और बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत अच्छा इनका दोनों जन का नेचर है, इसलिए मेरे को आज बहुत अर्जेंट काम था थोड़ी छोड़ के मैं आ जाया। आपका शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। हमेशा जिस तरह से योगेश भाई सपोर्ट करते हैं ना इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को, अच्छे काम को, बड़ी बड़ी पिक्चरें तो करते हैं, बड़े बड़े बैनर्स तो करते हैं, बट साथ में जितनी भी इंडिपेंडेंट लोग के साथ में जो काम करते हैं ना वो काबिले तारीफ। थैंक यू योगेश जी, थैंक यू।